अकाली दल के राष्ट्रीय संगठन सचिव में ऐसा मौजूदा कुलदीप सिंह भोगल इनका नाम है और बड़ा नाम है। जिस तरीके से 1984 के दंगों को लेकर इन्होंने आवाज उठाई थी और इंसाफ दिलाने के लिए आज भी इनकी मुहिम जारी है, चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये मुहिम आगे बढ़ रही है। सर, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। सर, आपसे जानना चाहूंगा 1984 के दंगों को लेकर आपने कई बार आवाज उठाई, लेकिन ऐसी वजह क्या रही है जो अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है? देखिए, 32 साल होने को आगे जी, लगातार हमने देश की संसद में, देश की संसद के बाहर हमने आवाज उठाई कि जो दोषी हैं सज्जन कुमार, जगदीश टैटलर, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए जी। मगर आप देखिए, इन 32 सालों में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सत्ता रही, मगर उन्होंने सिखों की आवाज को हमेशा दबाया। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब से बाहर भी सिखों की आवाज़ उठाई और देश की संसद में हरसिमरत कौर बादल, सुखदेव सिंह ढींसा, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, इन लोगों ने लगातार देश की संसद में आवाज़ उठाई कि नवंबर 1984 के पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। हम देश की संसद के बाहर भी आवाज़ उठाते रहे, दिल्ली की सड़कों पर भी उठाते रहे। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली है, 1984 में जो नरसंहार हुआ वो बुलाया नहीं जा सकता, वो नरसंहार था, ना कि दंगे थे। दंगे होते हैं एक दूसरे के साथ, ये एक ही समुदाय के लोगों को मारा गया और 3 दिन लगातार दूरदर्शन पर आवाज़ आती रही कि खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। लगातार ना नीली पगड़ी देखेगी ना सफ़ेद देखेगी, जो सिख मिला उसको या तो जिंदा जलाया गया या उसको ट्रेन से उतार के मारा गया। हमारा आज भी संघर्ष जारी है कि भाई जो दोषी हैं सज्जन कुमार, जगदीश टैटलर जैसे लोगों को बिल्कुल जेल की सलाखों में दे के उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार ये उपराला करती आ रही है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले और पेंशन भी उनको दे दिया। आज भी देखिए, सज्जन कुमार और जगदीश टैटलर के खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आवाज़ उठा रही है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आवाज़ उठा रही है, सरदार सुखबीर सिंह बादल और सरदार प्रकाश सिंह बादल लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले इस बारे में कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। मुझे एक बात की हैरानी होती है, जब देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि देश की संसद के अंदर, आज भी वो लिखत है, उन्होंने कहा कि ये दंगे नहीं, ये नरसंहार है, ये देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए और हमारा पूर्ण बहुमत आया तो हम सबसे पहले उन लोगों को सलाखों में देंगे जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो पूर्ण बहुमत में है और आज उनको चाहिए कि वो जो दोषी हैं उनको दे, जेल की सलाखों में दे और वो फांसी के फंदों पर चढ़ सके। कांग्रेस 60 साल राज कर चुकी है, बीजेपी सरकार के 2 साल हो गए हैं, क्या लगता है जो अभी तक 1984 के जो दंगे हुए थे इंसाफ नहीं मिला है, क्या इच्छा शक्ति की कमी है हमारी सरकारों में? देखिए, सरकारों में भी कमी है, साथ में जो यहाँ का पुलिस है, पुलिस जो है वो सबूतों को उसने दबाया, जो सबूत थे और उसके बाद जो गवाह थे उनको डराया धमकाया गया, जिसमें से कुछ गवाह तो डेथ होगी, कई जो है उनको डरा धमका के उनका मुंह बंद कर दिए गए। मगर आज भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आज भी गवाही दी। और देखिए, सीबीआई का रोल अच्छा नहीं रहा, बेशक वो कांग्रेस की सरकार हो, अब बीजेपी की सरकार है और आज मोदी साहब को 2 साल हो गए हैं और अभी भी हम 1984 के नरसंहार की बात उठाते हैं देश की संसद में, देश की संसद के बाहर भी। मगर सीबीआई का जो रवैया था वो ठीक नहीं है आज भी।
वो पता नहीं क्यों दबा रही है, पता नहीं उसके पास क्या सबूत है या नहीं है। अब देखिए जगदीश टैटलर है, जगदीश टैटलर के खिलाफ गवाह हो चुके हैं, करकट डूमा कोर्ट में हो गए, पटियाला हाउस में हो चुके हैं, सीबीआई को हम कह चुके हैं सबूत हमारे पास है, सबूत उनके पास है, क्यों नहीं अंदर लेते उनको, उससे लगता है कुछ दाल में काला है। और ये जो सीबीआई का गलत प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल गलत, आज भी वही बात है। सीबीआई जो है, देखिए सीबीआई देश के प्रधानमंत्री के अंडर आती है। जब हमने वोट दी नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी सरकार को, हम उस सत्ता में उनके साथ है। और आज जो सिख समाज है, पंजाबी समाज है, वो एक बात कहता है, अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अब तो इन दोषियों को जेल की सलाखों में जाना चाहिए। वो हमें समझ नहीं आता कौन सी वो बात है जो सीबीआई इनको जेल की सलाखों में नहीं देगी। मोदी साहब विदेशी दौरे भी कर रहे हैं और व्यापार भी आ रहा है, विदेश नीति हमारी काफ़ी अच्छी हो रही है। अब देश का विकास होगा तो हर वर्ग का विकास होगा, भेदभाव की तो कोई बात ही नहीं है। 1984 के जो दंगों में पीड़ित लोग थे उनका भी विकास होगा, तो मलाल किस बात का है? नहीं नहीं देखिए, दंगा पीड़ितों का विकास हुआ नहीं अभी तक। अब देखिए 5 लाख की जो बात थी वो मिला, क्योंकि जिनके घर वाले चले गए, जिनके भाई चले गए, जिनकी माताएं चली गई, बहनें चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। मगर पैसा जो दिया गया है वो बड़ी बात नहीं है, मकान दे दें बड़ी बात नहीं है, मेन बात है जिनके सामने उनके पति को जलाया गया, उनकी बहनों को विधवा किया गया, हमारी बहनों माओं के साथ रेप किया गया, वो लोग जब तक जेल की सलाखों में फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ते, जब तक हमें कोई इंसाफ हम वो हमारे मन में नहीं रहेगा कि मोदी साहब ने इंसाफ दे दिया, या क्योंकि जेल की सलाखों में वो जाने चाहिए। देखिए एक हिरन मारने वाला, उसने हिरन मारा या नहीं मारा वो अंदर जा रहा है, एक आदमी कत्ल करता है, है जी, वो अंदर उसको सजा होती है। यहाँ तो 3000 से ज़्यादा सिख मारा गया देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पे सरकार जो है मौन बनी रही, देश की संसद मौन बनी रही, देश का रेडियो जो है मौन बना रहा, देश का टेलीविजन कहता रहा। और सबसे बात बड़ी देखिए, मेनका गांधी के बाहर घर के बाहर जब पत्थर मारे गए, उसके घर को जलाने की कोशिश की गई, तो वहाँ कांग्रेसियों का यही कहना था कि बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की, मेनका तेरा ये अभिमान बनने ना देंगे खालिस्तान। आज भी आप रिकॉर्डिंग में देखिए दूरदर्शन में, आपको ये नारे नजर आएंगे। कहा थी कांग्रेस उस टाइम, अब मनमोहन सिंह जी जब आए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि सिख जो हैं वो 84 भूल जाए। कैसे भूल जाए 84? हम आज तक 1947 को नहीं भूले, जहाँ पे इतने लोगों को जिंदा मारा गया, काट काट के वो कुओं में गिरा गया। यहाँ तो जिस गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने साहबजादों का बलिदान दिया, और उसी के गुरुद्वारों को, उसी गुरु ग्रंथ साहब जिसमें सभी भक्तों की वाणी थी, और उनको अगर भेंट किया गया। जगदीश टैटलर का कुछ दिन पहले एक बयान आया था, उन्होंने कहा कल तक में वो माफ़ी भी मांग लेते हैं अगर किसी को हाथ हुई है चीज़ें। अरे ऐसे है, अब ये 32 साल बाद ऐसी बातें कर रहे हैं, अकाल तख्त पे माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, पहले तो वो ये बताए अकाल तख्त पे जाने से पहले कि इसमें किन किन लोगों के तेरे जो नेता थे उनके नाम बताए पहले, सबसे पहले कि तेरे तुझे किसने कहा, सोनिया गांधी का क्या हाथ था उसमें, है जी, राजीव गांधी का क्या हाथ था जब उसने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, तू सोनिया गांधी का नाम बता, तू और जो लीडर है उन्होंने तुझे क्या कहा था, भाई तू डरता क्यों है, जगदीश टैटलर डरता है उनसे, उसको सब पता है, वो बताए पहले, फिर हम सोचेंगे कि ये अकाल तख्त पे जाएगा, वहाँ माफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, 32 साल बाद इसको माफ़ी की याद आएगी। पहले वो नाम बताए ना अपने अकाउंट के जिन्होंने ये ऑर्डर किया जाके सिखों को मारो, गुरुद्वारे जलाओ, जिंदा जलाओ, रेल से ऊपर उतार के उनको काट दो, ये वो बताए नाम पहले। नहीं 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 हम बिल्कुल माफ़ी कहाँ से देंगे उसको, जिस आदमी ने
दिल्ली की सड़कों पे लाशें बिछा दी। वो तो कह रहे हैं वो बेगुनाह है। अरे कहाँ से बेगुनाह है, अब 32 साल बाद बेगुनाह है, सारे सबूत उसके गवाह हो चुके हैं, बेगुनाह कहाँ से आ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया था कि पुराने भूल के आगे बढ़ना चाहिए। अमरिंदर सिंह तो कट्टर कांग्रेसी है जी, उसके साथ नहीं हुई ना 84, अगर उसके साथ हो जाती वो भी आज कहता कि जगदीश कैशलर गलत है। आप वो अमरिंदर की बात कर रहे हो, उसका दीन ईमान ही नहीं है कोई, वो पहले अकाली दल में था फिर कांग्रेस में। पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि जगदीश टाइटलर का ये जो बयान है कांग्रेस की छवि सुधारेगा? कांग्रेस की छवि, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं पंजाब में। देखिए कांग्रेस कहीं भी नहीं है पंजाब में। आज की डेट में जो इन 10 सालों में पंजाब का विकास सरदार प्रकाश सिंह बादल और सरदार सुखबीर सिंह बादल ने किया है, लोग इस टाइम जय जयकार कर रहे हैं। और आज देखिए पंजाब की जो फिजा है वो बदली है, अच्छे पुल बन गए हैं, अच्छी सड़कें बन गई हैं, अच्छा देखो स्कीमें जो बादल साहब ने चलाई हैं, सघन स्कीम, आटा दाल स्कीम और कितनी स्कीमें हैं, और देखो सभी धर्मों के लिए रेल से फ्री यात्राओं के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। चलिए सर, कुछ आरोप भी हैं, हम पर भी बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के लिए रुकेगा, 1-1 देखते रहिए। अकाली दल के राष्ट्रीय संगठन सचिव मेरे साथ मौजूद हैं, कुलदीप सिंह भोगल इनका नाम है। चलिए जाने की कोशिश करते हैं और तमाम मसलों पर इनकी क्या राय है। सर, जिस तरीके से पंजाब में चुनाव आने वाले हैं 2017 ज़्यादा दूर नहीं है, अब आरोप प्रत्यारोप भी खूब शुरू हो गए हैं तमाम पार्टियों में। अब अकाली दल सत्तारूढ़ पार्टी है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तमाम मसलों को लेकर, कोई यहाँ पर कविताएँ लिखता है, कोई गाने बना रहा है, क्या कहेंगे इन तमाम मसलों पर? देखिए जब कोई पार्टी सत्ता में होती है ना, सत्ता वाली पार्टी ने इतने काम कर दिए, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का, क्योंकि सारे काम हो गए पंजाब में जो सरदार सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल ने किए थे कि हम 10 सालों में ये पंजाब का विकास करेंगे। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मुद्दे कभी वो कह देते हैं जी वो रेता बेच के जी, वो जी नशे ज़्यादा है। देखिए नशा, आप देखिए महाराष्ट्र में देखिए, राजस्थान में देखिए, है जी ये जो दूसरी स्टेट है वहाँ सबसे ज़्यादा नशा है। और हमारा जो पंजाब है वो बॉर्डर के साथ है, ये काम जो है बॉर्डर पे इन नशों को रोकने का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट तो जो करती है करती है, मगर इतना झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं वो जैसे किसी के पीछे पड़ गए हैं वो। मगर पंजाब में विकास हुआ है, ये जितना कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है। 2017 में हम फख्र से जीतेंगे और अकाली दल और भाजपा की पंजाब में 2017 में सरकार बनेगी, जो सरदार सुखबीर सिंह ने बादल ने कहा था कि हम पंजाब का विकास करेंगे, पंजाब को बुलंदियों पे लेके जाएंगे, पंजाब में घर घर में बिजली करेंगे आज। और जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने आप को शक्ति महसूस नहीं करेंगे, आज वो अंधेरे में भी सड़कों पे निकल जाएंगे, कोई उनका बाल बांका करने वाला नहीं है। सुखबीर सिंह बादल का चीन का दौरा भी था, काफ़ी बिजनेस आया है लुधियाना में, साइकिल इंडस्ट्री लगेगी, क्या लगता है पंजाब का जो विकास है कितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, 2017 तक कितना बदलाव देखने को? देखो आपको आने वाले 2-3 महीने में आप देखिए बहुत बदलाव होगा पंजाब में। आप देखिए ना, ये जो जिनके दिमाग की उपज जो है वो कम है, जो केजरीवाल है वो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े आ रहे हैं। ये पंजाब के लोग जो है ना वो ऐसे केजरीवालों को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि दिल्ली में हमने अशर देख लिया अपना, जो दिल्ली में जनता का अशर हुआ, जो उसने वादे किए थे केजरीवाल ने, असल में ये डुगडुगी बजाने वाला एक मदारी है। ये समझता है कि मैं डुगडुगी बजा के हर वक्त मैं लोगों को बेवकूफ़ बना लूँगा। पंजाब का जो किसान है, जो पंजाबी है, वो मेहनती है, वो किसी की बातों में आने वाला नहीं है। बादल साहब देखिए संगत दर्शन करते हैं, सुबह 6 बजे उठ के जाते हैं, क्या केजरीवाल अपना जो भी चीफ मिनिस्टर बनाएगा या नहीं बनाएगा, जो घोषित करेगा, ये सब ख्वाबों में है, ये सोए हुए ख्वाब इसके टूटेंगे और वहाँ बादल की सरकार बन जाएगी।
आम आदमी पार्टी ने अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ में प्रदर्शन भी किया है और 1 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने की वहां पर उम्मीद थी, लेकिन प्रदर्शन मुकम्मल नहीं हुआ जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम थे। क्या कहेंगे, भारी मुद्दों को लेके अकाली दल को घेरने की कोशिश जो है कितनी कामयाब रहेगी यहाँ पर? देखो जी, कुछ भी नहीं, अकाली दल घिर ही नहीं सकता। आप बताइए, जहाँ पे विकास हो रहा हो वहाँ पे कहाँ घिरेगा अकाली दल? मैं कह रहा हूँ ना, ये मतदारी है केजरीवाल। मैं कांग्रेस की तो बात ही नहीं करता, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ये तो केजरीवाल जो है ना, थोड़े दिन का वहां पे जाएगा, लोगों ने इसको पत्थर मारने हैं। इसके जितने जबूरे हैं ना वहां पे, भगवंत मान हो गया, वो दूसरा जो इन्होंने वहां का प्रभारी बनाया हुआ है छोटे को, वो छोटा ही रह जाएगा। और ये जो मान है, ये भी अब मान के क्या है, पार्लियामेंट में जाता है, शराब की बदबू आती है उसके मुंह में, बाहर गुरुद्वारों में शराब पी के घुस जाता है। है जी, आप बताइए, इनके जो पार्लियामेंट के मेंबर थे वो टूट के क्यों टूटे? केजरीवाल जो है वो हैंकी है, बिल्कुल ऐसे हैंकी, वो बात ही नहीं सुनता किसी की, एंकर में रहता है हर वक्त। तो लोग उससे टूट गए हैं, और ना उसके सबको पता चल जाएगा 2017 में जब ये पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है ना, और जाएगा और ये सब जमानते लोगे और अपना मुंह काला करके केजरीवाल वापस आएगा। NRI वोट बैंक का भी ट्रेंड बहुत चल गया है, हर कोई विदेश जा रहा है, अकाली दल या फिर यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी को फंड भी बहुत मिला, विदेशी फंड, इस पर कटाक्ष भी आप लोगों ने बहुत की है। क्या लगता है, NRI वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा? देखिए, पंजाब के बाद जो NRI है ना, वो शहीदों की जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल के साथ है, वो अकाल तख्त साहब के साथ है, वो दरबार साहब के साथ है, वो कहीं भी बाहर नहीं जाता। उन्होंने हमेशा श्रोमणी अकाली दल, वो आज बादल साहब प्रधान है, सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, कल मास्टर तार, पीछे मास्टर तारा सिंह थे, हरचंद सिंह लोंगोवाल थे, बात या किसी नाम के नहीं है, क्योंकि बादल साहब श्रोमणी अकाली दल के, सुखबीर सिंह बादल प्रधान है, श्रोमणी अकाली दल के नाम के ऊपर जो बाहर विदेशों में सिख बैठता है, हमेशा अकाली दल ने और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने हमेशा पंजाब के बाहर और विदेशों में बसते पंजाबियों की आवाज़ को उठाया है, और उसका वही नतीजा है, जितने बाहर विदेशों में सिख रह रहे हैं आज, अगर पीछे अकाली दल ना होता, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ना होती, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ना होती, आज जो हमारे MP विदेशों में बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए, वो क्यों बने? वो इसीलिए बने कि अकाल तख्त का वो हुक्म मानते हैं, वो दरबार साहब को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए वहाँ पे आज MP भी मिनिस्टर भी बाहर देशों में बने हुए हैं। लेकिन फिर भी लुभाने की जो कोशिश है आम आदमी पार्टी से भी की गई, और वो कह रहे हैं सफल दौरे रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह विदेश दौरे पर जाते हैं उनका विरोध होता है और कई चीज़ें रहती हैं, हालांकि वो कहते हैं कि दौरा सफल रहा। प्रनीत कौर भी जा रही हैं यूरोप के दौरे पर, क्या लगता है कितना वोट बैंक ये हासिल कर पाएंगे और कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, बात ऐसे है, कुछ वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो बुढ़े बाढ़ हैं खालिस्तानी, वो जो जो आता है उसका विरोध करते हैं, उनका विरोध 10-15 लोग होते हैं, गुरुद्वारों के बाहर खड़े हो जाते हैं, हाय हाय जिंदाबाद, मुर्दाबाद करनी शुरू करते हैं, मगर दिल से वहाँ के जो लोग हैं वो पंजाब के साथ जुड़े हैं, श्रोमणी अकाली दल के साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ पैसे की बात है, ये बाहर जो लोग आप कह रहे हैं, आप पार्टी कांग्रेस गई, वो भी पैसा इकट्ठा करके लाई है, अब लोगों का, लोग देते हैं, ये लेते हैं, लोग लेते हैं पैसा, ये ले लेते हैं, मगर वहाँ जो असल में बात है वो श्रोमणी अकाली दल की है और अकाल तख्त की है। लेकिन सर, अगर आपके मैनिफेस्टो की बात की जाए, 2017 चुनावों की बात करना चाहूँगा, क्या 1984 का मसला रहेगा? बिल्कुल, वो तो है ही है जी, 1984 का नरसंहार वो तो आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलता वो सूली पे नहीं चढ़ते श्रोमणी अकाली दल, देश के अंदर संसद में और देश की संसद के बाहर और अपने मैनोफेस्टो में 1984 का जो मैनोफेस्टो में है उनको सजा दिलाने का वो रहेगा। आप सर लाल कृष्ण अडवाणी के भी काफ़ी करीबी रहे हैं,
उनके कार्यकाल के समय में देखा गया है काफी सक्रिय रहे हैं आप 1984 के जो सिख दंगे में पीड़ित थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए। तब की मुहिम में देखा जाए तो काफी बदलाव भी आए थे, आपने कुछ रेगुलेशन लाने की कोशिश की थी, कितनी चीजें मुकम्मल हुई और अब मोदी सरकार से किस तरह के समन्वय चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उसमें गृह मंत्री श्री लाल किशन आडवाणी थे और नवंबर 1984 के दोषियों की बात थी या जो उस टाइम लोगों को पैसे दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम 84 नरसार में लोगों ने पंजाब की तरफ कूच कर दिया था, मगर उस टाइम कांग्रेस ने उनको कहा कि आप मत जाइए दिल्ली छोड़ के, कानपुर छोड़ के, हम आपको ग्रांट देंगे, आपको मदद करेंगे। वो मदद देने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये आपको कर्जे दिए गए हैं, उस दौरान उस पर जो इंटरेस्ट था वो 12% लगा दिया गया था। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पहले उस इंटरेस्ट को 6% करवाया, उसके बाद वो 1% हुआ और उस दौरान 25,000 से लेके 50,000 तक के कर्जे माफ़ किए गए। चलिए सर, धन्यवाद आपका। तो कुलदीप सिंह भोगल जी मेरे साथ मौजूद थे, तमाम जानकारी देते और वो बता रहे हैं 1984 के जो सिख दंगों के पीड़ित हैं उनको इंसाफ जरूर मिलेगा और अकाली दल के मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें रहेंगी और 2017 चुनाव में जीत यहाँ पर अकाली दल की होगी। देखते रहिए 1 to 1। नमस्कार।